हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज टीएमसी ने एक बार फिर बाकी बचे तीन चरण के चुनाव को एक साथ कराने की मांग की है। आज तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं ने एक बार फिर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। टीएमसी ने चिट्ठी में लिखा, कोरोना को ध्यान में रखते हुए अब एक ही फेज में सारे चुनाव खत्म करा दिए जाएं। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दिए अपने मेमोरेंडम में लिखा है, 52 दिन से प्रचार कर रहे हैं, पूरा चुनाव एक बार में करा दिया जाए। टीएमसी लगातार ये मांग कर रही है कि चुनाव एक चरण में कराने से बेहतर होगा, क्योंकि बंगाल में बड़े ही पैमाने पर कोरोना का विस्फोट हो रहा है और इससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन चुनाव आयोग का शायद ऐसा मानना है कि उनकी तैयारियां पूरी नहीं हो सकती और सभी उम्मीदवारों को उचित वक्त दिया जाना चाहिए, वरना उम्मीदवार इस पर सवाल खड़े कर सकते हैं कि उन्हें प्रचार का पूरा मौका नहीं दिया गया। अब इसे कहते हैं ना तो उगली जाए ना निगली जाए। टीएमसी के इस मांग पर बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है और कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी की मांग को असंवैधानिक करार दिया, इसे जनता के बीच सहानुभूति बटोरने की कोशिश बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव की एक तय प्रक्रिया होती है, उम्मीदवार को प्रचार का समय मिलता है, इसलिए उम्मीदवार के प्रचार के वक्त को कम नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी इस दलील पर टिकी है कि प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए और प्रक्रिया के तहत ही चुनाव प्रचार को अंजाम दिया जाना चाहिए। हालांकि एक सवाल पूछा जा सकता है, इंसान की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है या चुनावी प्रक्रिया? ममता के मंत्री फरहाद हकीम के एक वीडियो ने बवाल मचा दिया है, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपसे थोड़ी देर बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।